कल ही एक माने हुए पंडित ने देखी मेरी कुंडली और मुझसे कहा कि आने वाला है मेरी जिंदगी में मेरा मिस्टर राइट। OMG, कैसा होगा वो, कहाँ होगा वो। खैर छोड़िए मेरी कुंडली, आप नजर डालिए हमारे अगले शो पर जिसका नाम है कुंडली भाग्य, और देखते हैं कि इनकी कुंडली में क्या चल रहा है। प्रीता, एक्चुअली हुआ क्या है पुत्र, बताओ तो सही। कुछ नहीं माँ, वो एक बार पहले जब मैं मंदिर की तरफ बढ़ी तो मुझे लगा मुझे चक्कर आ रहा है तो मैं बैठ गई। फिर जब करीना बुआ ने मुझे गिफ्ट लाने के लिए कहा और मैं जा ही रही थी तो बहुत दूर से ऐसे लगा कि चक्कर आया, उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसे तो ठीक लग, लेकिन थोड़ी सी घबराहट हो रही। क्या हो रहा है? डॉक्टर को फोन कीजिए, मैं करता हूँ। प्रीता की गुड न्यूज, घर में आने वाला है नन्ना मेहमान, लेकिन ये मेहमान आएगा 3 महीने बाद सीरियल के लीप के साथ। तू अब भी नहीं समझा पगले, तू बाप बनने वाला है। लेकिन सीरियल में लीप आने से पहले क्या हुआ लूथरा हाउस में, आइए जानते हैं। रुको, रुको ये शाली। शाली ने सही कहा, मैं झूठ बोल रही हूँ, मायरी ने मुझे पैसे दिए थे। क्या? आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने हॉस्पिटल में कुछ और बोला था, यहाँ कुछ और बोल रही हैं, झूठ क्यों बोल रही हैं? प्रीता फिर से हारी और शर्लिन ने मारी बाजी, हो गई कृतिका और पृथ्वी की शादी। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग में प्रीता ने प्लानिंग तो पूरी कर ली थी, पृथ्वी और कृतिका की शादी के मौके पर पृथ्वी और शर्लिन के रिश्ते का कच्चा छट्टा सबके सामने लाने की, और इसीलिए उन्होंने शादी के मौके पर डॉक्टर रोशनी को घर पर बुलाया, जो पृथ्वी और शर्लिन की कॉलेज की दोस्त है और उनके बारे में सब जानती है। लेकिन शर्लिन ने इमोशंस का ऐसा जाल फेंका कि रोशनी ने अपना बयान ही पलट दिया और प्रीता फिर से सभी घर वालों के सामने झूठी साबित हो गई। कब सफल हुई हमारी मेहनत, हमारी सारी मेहनत पानी में ही जाती है और इस बार भी पानी में ही गई है। हर कितना कितना जद्दोजहद करके कितनी कोशिश की है कृतिका की शादी रोकने की, ये मेरी दी चलना, इन्होंने भी देखो, इनको बोलना ही नहीं है कुछ क्योंकि ये भी पक चुकी है। इसे कहते हैं मेहनत पर पानी फिरना, जो प्रीता और सृष्टि की मेहनत पर फिर गया है और पूरे रीति रिवाज के साथ हो गई है पृथ्वी और कृतिका की शादी। एक हद तक ही बोल सकते हैं, बाकी जिसको शादी करनी है यही नहीं दुनिया में, जिसको जिससे शादी करनी है सब कुछ जानने के बाद भी तुम करो हमारी महिला से। जो कुंडली भाग्य है, जो जिसके कुंडली में लिखा हुआ है, जो जिसके भाग्य में है वो तो उसी को मिलेगा। अब कृतिका का भाग्य में, कृतिका के भाग्य में पृथ्वी है तो अब उसे मिल जाएगा। और वाकई ये तो भाग्य का ही खेल है, सभी के भाग्य के साथ साथ सीरियल का भाग्य भी बदल गया है और 3 महीने का लीप आ गया है, जिसकी शुरुआत पूरे परिवार ने गणपति बप्पा की आरती के साथ की है। खुशियां आई हैं घर में, अच्छी बात है ना, और एक छोटे से टाइम ट्रांजिशन के बाद हम लोग गणपति जी की आरती के बाद हम लोग दादी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो अच्छा ही अच्छा होगा। वैसे आज लूथरा हाउस में एक और सेलिब्रेशन है, घर की सबसे बड़ी सदस्य यानी दादी जी का हैप्पी बर्थडे है, जिसकी पूरी तैयारी प्रीता ने की है। केक के बजाय दादी का फेवरेट घेवर मंगवाया, घर पर पूजा रखवाई और छोटी सी फैमिली पार्टी की तैयारी भी की। बहुत मज़ा आई, बहुत टाइम के बाद इतना हंसी खुशी का माहौल है,
यू नो फुल फैमिली साथ में मस्ती कर रही है, नो प्लानिंग प्लॉटिंग, सिर्फ हंसी खुशी मजाक कर रहे हैं। भाई प्रीता की मेहनत पर तो शर्लिन की हर वक्त नजर रहती है, और तो और करीना बुआ ने शर्लिन को सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए सुझाव भी दिया, जिसे शर्लिन दादी के बर्थडे सेलिब्रेशन में अप्लाई करने वाली थी, लेकिन दादी सब जानती हैं। शर्लिन ने बहुत मेहनत की, जेन्युइनली बहुत सारी चीजों में उसने हेल्प की थी, लेकिन क्या प्रीता इतनी अच्छी है कि वो बाजी मार ले गई, और शर्लिन सो अपसेट, वो करीना बुआ को बोल रही है, करीना बुआ से इशारे कर रही है, पर वो हर जगह लेट हो रही है, सो कहीं ना कहीं शर्लिन थोड़ी अपसेट हो चुकी है। दादी के बर्थडे सेलिब्रेशन में खुशियों का डबल डोज तब लगा जब प्रीता चक्कर खाकर गिर गई, यानी बहुत जल्द प्रीता और करण की गुड न्यूज आने वाली है। इट्स अ वो नेक्स्ट पड़ाव है हमारी जिंदगी का, करण और प्रीता की जो स्टोरी है उसका नेक्स्ट पड़ाव है वो, तो ऑब्वियसली करण और प्रीता विल बी वेरी हैप्पी। मैं ज्यादा तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकती हूँ कि आपके मनोरंजन के लिए हम कुछ नया करने वाले हैं, कोई नए सदस्य आने वाले हैं, कोई का मतलब एक से ज़्यादा। अब उसमें स्टोरी लाइन में क्या बदलाव होगा और हम आपको और एंटरटेन कैसे करेंगे, ये सब देखने के लिए आपको हमारा शो देखना रहना हो। लीजिए, हो गई प्रीता की सासू माँ की ख्वाहिश पूरी। अब जो अकेले कमरे में बच्चों के खिलौनों को देखकर इमोशनल होती थी, बहुत जल्द इन्हीं बिखरे हुए खिलौनों को समेट कर रखने के दिन आने वाले हैं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।